अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की लच्छेदार पकौड़ी। इसके लिए हमने लिए हैं ये दो अंडे जिन्हें हमने बॉईल करके रख लिया था पहले से ही। साथ ही साथ हमने लिए हैं दो प्याजे जिन्हें हमने बघार का काट लिया है, और ये हमने लिए है आधी पत्ता गोभी, इसे भी हमने काट लिया है। साथ साथ हमने लिए 4-5 हरी मिर्च, इसे भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने अंडे के यहाँ 4 पीस कर लिए हैं, और साथ ही साथ हमने ये एक प्याले में ये जो सारी चीजें थी गोभी मिर्च और प्याज इसको मिला रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ये भी आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम ये डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच जीरा। और इसमें हमने डाल दिया है हरा धनिया है, बोल रहे 3 चम्मच बेसन। पानी डालना बस इसे, और इसे पानी डाल के इसको अच्छे से पानी जरा जरा सा लगा बस इसमें डाल के इसको लपेटने के लिए इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा लेके इसमें अंडे को अच्छे से लपेट लेंगे, और इसे अच्छे से चारों तरफ से इसको इसमें पैक कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमने अपनी अंडे की पकौड़ियों को बैटर के अंदर अच्छे से लपेट लिया है, और हमने यहाँ डाल दिया तेल में तलने के लिए, और हम इसे मीडियम आँच पर अच्छे से पकाएंगे ताकि अंदर तक से पूरी सिक जाए अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए, हमारी लच्छेदार पकौड़ियाँ एकदम कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। बस अब हम इसे एक मिनट बाद इसको निकाल लेंगे, फिर हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमारी लच्छेदार अंडे की पकौड़ी बनके एकदम तैयार है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मेरे सरकार, तब तक के अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अपना।